युद्ध और बर्बादी 21वीं सदी की दुनिया की एक जबरदस्त पहचान बनती जा रही है। इसराइल और हमास के बीच जंग का आज चौथा दिन है। इससे पहले दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच पूरी तरह से बढ़ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसराइल की सेना ने कहा है कि उसने गाजा बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। सेना ने बताया कि रात भर में उसने गाजा में 200 जगह को निशाना बनाया है। खबर है कि अब तक जंग में हमास के 1500 लड़ाके मारे जा चुके हैं। वहीं अब तक इसराइल के लगभग 123 सैनिकों की मौत की खबर सामने आई है। बीते सोमवार को इसराइल के रक्षा मंत्री ने पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे का आदेश दे दिया। इसके बाद रात भर में इसराइल ने गाजा पर हमले किए और जवाब में हमास ने धमकी दी कि वो इसराइल से पकड़े करीब 150 बंदकों की हत्या कर देंगे। 21वीं सदी की इस जंग के बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने हम पर हमला करके सबसे बड़ी गलती की है और हम इसकी ऐसी कीमत वसूलेंगे कि जिससे हमास और इसराइल के बाकी दुश्मनों की पीढ़ियां दशकों तक याद रखेगी। इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते थे, हम पर यह बहुत क्रूर तरीके से थोपा गया। हमने भले ही युद्ध शुरू नहीं किया लेकिन इसका अंत हम ही करेंगे। इसराइल सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि बर्बरता के खिलाफ खड़े हर देश के लिए लड़ रहा है। बता दें कि अब तक इस जंग में करीब 1500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इसराइल में लगभग 900 लोग मारे गए हैं जबकि लगभग 2300 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं गाजा पट्टी में 140 बच्चों सहित 687 फिलिस्तीनी मारे गए हैं जबकि 3000 से अधिक लोग घायल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ भारतीय मूल के लोगों के अपहरण और मौत की खबरें भी सामने आ रही है। इसराइल में इमरजेंसी के हालात बने हुए हैं और भारतीय मूल के लोग खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय दूतावास भी लोगों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। बता दें कि इसराइल में भारतीय मूल के तकरीबन 95,000 यहूदी और 18,000 भारतीय नागरिक रहते हैं। इनमें ज्यादातर लोग उन इलाकों में रहते हैं जहां मौजूदा समय में चल रही लड़ाई का गहरा असर पड़ा है।